वेलकम टू सोशल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच ऐसे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जिन्हें असैसिनेट कर दिया गया। नंबर 5, फूलन देवी, एक डकैत टर्न्ड पॉलिटिशियन जो बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानी जाती थी। उनको 2001 में गोली मारकर असैसिनेट कर दिया गया था। 3 बुलेट शॉट्स टू हर हेड एंड 2 ऑन हर बॉडी, और उनको हॉस्पिटल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया। असैसिनेशन के मेन सस्पेक्ट शेर सिंह राणा ने अपने आप को हंसते हुए सरेंडर कर दिया, और उनका कहना था कि उन्होंने फूलन देवी को 1981 में हुए बेहामी मैसेकर के बदले में मारा है। बेहामी हत्याकांड वो इंसिडेंट है जब फूलन देवी एक डकैत हुआ करती थीं, और उस वक्त अपने गैंग रेप का बदला लेने के लिए उन्होंने 22 लोगों को दिन दिहाड़े गोली से मार दिया था। उसी चीज़ का बदला लेते हुए शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मारने की साजिश रची थी। नंबर 4, बेअंत सिंह असैसिनेशन। पंजाब के देन चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को 1995 में सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू असैसिनेट किया गया। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि बिल्डिंग को 8 फ्लोर्स तक डैमेज पहुंचा, और साथ में 23 लोग भी क्रिटिकली इंजर्ड हुए। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली, जो कि गवर्नमेंट द्वारा एक बैंड मिलिटेंट आउटफिट है। उनका कहना था कि बेअंत सिंह के राज में 25,000 इनोसेंट लोगों की जान गई थी पंजाब में, और इसी का बदला लेते हुए उन्होंने बेअंत सिंह को असैसिनेट किया। नंबर 3, राजीव गांधी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो अपनी मदर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद सत्ता में आए थे। राजीव गांधी खुद एक असैसिनेशन का शिकार हुए जब 1991 में इंडिया और श्रीलंका के बीच बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते थे। हुआ यूं कि उस वक्त राजीव गांधी चेन्नई के एक गाँव में अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो कई लोग उनको आकर मालाएं चढ़ा रहे थे। उनमें से एक औरत थी धानू, जो ह्यूमन बॉम्ब के डिस्गाइज में आई थी। जैसे ही धानू उन्हें माला पहनाकर उनके पैर छूने के लिए झुकी, उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें राजीव गांधी और उनके साथ 25 अन्य लोग मारे गए। नंबर 2, इंदिरा गांधी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अपने बोल्ड एंड फियरलेस गवर्नेंस के लिए मशहूर थी, और ऐसी ही एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था उन्हीं के बॉडीगार्ड्स द्वारा, क्योंकि उस वक्त पंजाब में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, जिसके कारण भिंडरांवालों को मारने के लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया गया, जिसके दौरान सिख कम्युनिटी के कई इनोसेंट लोग भी मारे गए। इसी चीज़ का बदला लेते हुए इंदिरा गांधी के खुद के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में गोलियों से मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला कि उन्हें 30 से भी ज़्यादा गोलियां मारी गई थी। नंबर 1, महात्मा गांधी, नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, जिनका भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। महात्मा गांधी को आज़ादी के 5 महीने बाद ही असैसिनेट कर दिया गया था एक कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा, जिसका नाम था नथुराम गोडसे। उन्होंने गांधी को पॉइंट ब्लैंक पे रखते हुए 3 गोलियां फायर की, और उसी वक्त गांधी जी की मौत हो गई। नथुराम गोडसे जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट थे, उनका मानना ये था कि गांधी पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हिंदुओं के बारे में पहले सोचना चाहिए। गोडसे में एक आक्रोश था पार्टीशन के दौरान जो मौतें हुई हैं उनको लेकर, और उसी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया। हे राम, वो दो शब्द थे जो गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहे। दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो अबाउट पॉलिटिकल असैसिनेशंस इन इंडिया। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।